वेलकम टू शेयरिंग नॉलेज चैनल दिस इज़ आयशा आज के वीडियो में मैं इग्नू बी ई जी एल ए वन थर्टी सेवन इंग्लिश कोर्स को ही कॉन्टिन्यू करूँगी जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इस वीडियो में मैं यूनिट सिक्स एक्सप्लेन करूंगी फिगर ऑफ़ स्पीच जिसमें कि सिमली मेटाफर्स इनैक्डोकी मेटोनमी पर्सोनिफिकेशन वगैरह है तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो सबसे पहले देखें फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है फिगर ऑफ़ स्पीच हम उस वर्ड या फ्रेज़ को कहते हैं जिसका मीनिंग अपने लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होता है हटकर होता है तो वो कहलाते हैं फिगर ऑफ स्पीच और ये सारी जो है लिटरेरी डिवाइसेस हैं मैं अगेन एंड अगेन ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल जो राइटर्स हैं पोइट्स हैं वो अपनी राइटिंग्स को और ज़्यादा अपीलिंग इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो देखते हैं सिमली क्या है सिमली में जो है दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है यानी दो अलग स्म की चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है और ये कंपैरिजन क्यों करते हैं जस्ट टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर क्लियर ताकि सुनने वाले इंसान को या पढ़ने वाले इंसान को हमारी बात या जिस भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अगर हम उसको किसी चीज़ से कंपेयर कर देते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं और सिमली में जो है हम कंपेरिज़न वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लाइक like, एज सो दैन एट्सेट्रा तो ये जो कम्पेरिजन वर्ड है इनका हम इस्तेमाल करते हैं सिमली में इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख के दिखाती हूँ कि सिमली के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं देख लेते हैं काफ़ी सिम्पल एग्जाम्पल्स हैं कॉमन है पहला एग्जाम्पल है ए स्वीट एज़ हनी एज़ स्वीट एज हनी तो सुना ही होगा यानी कि शहद के जैसा मीठा एज़ स्वीट एज हनी तो यहाँ पे जो कंपैरिजन वर्ड एज़ है इसका इस्तेमाल किया गया है आ, तो यानी कि क्योंकि कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए ये जो है ये सिमिली है यानी कि स्वीटनेस को किससे कंपेयर किया जा रहा है शहद के साथ कंपेयर किया जा रहा है और हमें पता है कि शहद कैसा होता है काफ़ी मीठा होता है तो स्वीटनेस का कंपैरिजन शहद से किया जा रहा है और कंपेरिज़न वर्ड एज का इस्तेमाल भी हो रहा है तो ये सिमली है दूसरा एग्ज़ाम्पल इसी का देखते हैं दूसरा एग्ज़ाम्पल है ईट लाइक ए बर्ड ईट लाइक ए बर्ड यानी चिड़िया के जैसे खाना चिड़िया के जैसे खाना यानी कि बहुत ही कम खाना बहुत ही कम अमाउंट में या कम क्वांटिटी में खाना हमने देखा है कि चिड़िया जो हैं बहुत ही थोड़ा सा खाना खाती हैं तो ये जो है खाने को ईंट को किससे कंपेयर किया जा रहा है ईटिंग को बर्ड के खाने बर्ड की ईटिंग से यानी कि जितना कम चिड़िया खाती है उतना कम खाओ तो यहाँ पे जो कंपेरिजन वर्ड है लाइक like. उसका इस्तेमाल किया गया है तो ये भी क्या है सिमिली है तीसरा एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं लव इज पेशेंट लव इज पेशेंट एंड सो इज माई मदर लव इज़ पेशंट एंड सो इज़ माई मदर कि लव प्यार प्रेम जो है कैसा है पेशेंट है क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं वैन वी रियली लव समन तो हम उसके साथ uh, कैसे रहते हैं पेशेंट रहते हैं एंड सो इज़ माई मोम और मेरी जो मदर है या मोम है वो भी कैसी है मेरे साथ पेशेंट है तो यहाँ पर अगेन कंपेरिजन हो रहा है और यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड जो है सो so यूज हुआ है सो so का इस्तेमाल किया गया है तो ये भी क्या है सिमिली है फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं इसका ही इज लार्जर देन लाइफ ही इज़ लार्जर दैन लाइफ लार्जर दैन लाइफ हम किसी ऐसे इंसान को बोलते हैं जिसकी पर्सनैलिटी या शख्सियत काफ़ी स्ट्रांग हो काफ़ी लाइवली पर्सनैलिटी हो और जिससे कि बहुत सारे लोग इम्प्रेस होते हों तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि लार्जर दैन लाइफ ही इज़ लार्जर दैन लाइफ तो यहाँ पर कंपेरिजन वर्ड दैन का यूज हुआ है तो ये भी क्या है सिमली है तो मैंने चारों कंपेरिजन वर्ड्स के एक एक एग्जाम्पल दे दिए एज लाइक सो

मेटफ़र क्या होता है मेटफ़र में किसी ऑब्जेक्ट या किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ लफ्ज़ों का यानी कि इस्तेमाल करते हैं यानी कि कंपैरिजन इसमें भी करते हैं लेकिन इसमें जो कंपैरिजन करते हैं उसमें हम कंपैरिजन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते यानी कि सो एज़ लाइक दैन वग़ैरह का यूज़ हम नहीं करते हैं विदाउट यूजिंग कंपेरिजन वर्ड्स और ऐसा किस लिए कर और ये जो दो ऑब्जेक्ट्स को या चीज़ों को जो हम आपस में कंपेयर करते हैं तो इनका वो लिटरली मीनिंग uh, नहीं होता यानी कि जो वो लिटरली मीन करते हैं वो उससे मतलब नहीं होता है हमें और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं कि अपने आइडिया को और ज्यादा क्लियर uh, बनाने के लिए जैसा कि मैंने सिम्बली में भी बताया था जस्ट टू मेक आवर डिस्क्रिप्शन या आइडिया मोर क्लियर तो यहां पर दो चीजों को यहां पर भी कंपेयर करते हैं लेकिन अनलाइक सिम्बली यहां पर कंपैरिजन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है जैसे कि अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें मेटाफर uh, के कुछ एग्जाम्पल्स तो मेटाफर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहला है ही इज अ शाइनिंग स्टार ही इज अ शाइनिंग स्टार यानी कि वो एक चमकता हुआ सितारा है तो यहां पे हमने ये नहीं कहा है कि ही इज लाइक अ शाइनिंग स्टार हमने सीधा सीधा उसको चमकता हुआ सितारा ही बोल दिया है तो यानी कि उसको हम कंपेयर तो कर रहे हैं चमकते हुए सितारे से लेकिन कंपैरिजन वर्ड जो है लाइक like, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जब कंपैरिजन हो दो चीजों के बीच विदाउट यूजिंग द कंपेरिजन वर्ड तो फिर वो मेटाफर होता है इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखें द कार वॉज ए फर्नेस इन द सन द कार्ड वॉज ए फर्नस इन द सन हमें पता है फर्नस किसे कहते हैं फर्नस कहते हैं भट्टी को और हमको मालूम है भट्टी कितनी गर्म होती है अंदर से कितनी हॉट होती है तो यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि कार जो है वो धूप में खड़े खड़े भट्टी जैसी गर्म हो गई अगर हम लाइक कर देते लिख देते द कार वॉज़ लाइक अ फर्नेस इन द सन तो फिर ये सिमली हो जाता लेकिन यहाँ जैसा वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है सीधे सीधे कार को फर्नेस ही कह दिया गया द कार वॉज अ फर्नेस इन द सन तो यहाँ पर कार को किससे कंपेयर किया गया है फर्नेस से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग द कम्पेरिजन वर्ड तो ये किसका एग्जाम्पल था ये मेटाफर का एग्जाम्पल था अच्छा मैं इसमें बुक में भी एग्जाम्पल्स दिखा देती हूं सिमली और मेटाफर के जैसे कि ये है वेन द वाइट फीट ऑफ द बेबी बीट अक्रॉस द ग्रास द लिटिल feet फीट the the like लाइक वाइट in इन wind. तो इस पोएम में कह रहे हैं कि बच्चे जब घास पर दौड़ हैं और उनके जो नन्हे पैर जब घास से टकराते हैं तो वो कैसे लगते हैं जैसे कि सफ़ेद फूल हवा के चलने पर हिल रहे हों या डोल रहे हों तो सफ़ेद फूल तो यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है लाइक वर्ड कंपैरिजन वर्ड का तो ये क्या है सिमली है यानी कि बच्चों के नन्हे पैरों की तुलना किससे की गई है सफ़ेद फूलों से की गई है कि जब उनके पाँव ज़मीन वो सॉरी घास से टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा चलने पर फूल हिलते हैं डोलते हैं तो वैसा ही दिखने में लगता है तो ये किसका एग्ज़ाम्पल था सिमली का एग्ज़ाम्पल था उसी तरह से मेटाफर का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं मैं बुक के ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे रही हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो मैं एक एक एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मेटाफर का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है द रिवर स्नैक्स इट्स वे थ्रू द माउंटेंस तो यहाँ पे ये जो स्नेक वर्ड है है ना स्नेक हमें पता है कि कैसे चलता है स्ट्रेट नहीं चलता है लहराता हुआ चलता है थोड़ा लेफ्ट राइट right होता हुआ है ना डोलता हुआ सांप की चाल कैसी होती है लहराती हुई चाल होती है तो नदी भी रिवर भी जब पहाड़ों से निकलती है तो सीधा सीधा तो पानी फ्लो करता हुआ नहीं आ जाता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पानी बह रहा है क्योंकि पहाड़ों में से रास्ता बनाती हुई तो नदी भी कैसी होती है लहराती हुई टेढ़ी मेढ़ी होती हुई पहाड़ से निकलती है तो ये भी क्या है यानी कि नदी को सीधा सीधा स्नेक सिट्स वे है ना ये नहीं कहा गया है कि मेक्स सिट स्वे थ्रू द माउंटेन्स लाइक अ स्नेक अगर ये लिखा होता है द रिवर मेक्स इट स्वे थ्रू द माउंटेन्स लाइक अ स्नेक तो फिर यह क्या हो जाता सिमली हो जाता है क्योंकि लाइक like वर्ड का इस्तेमाल कर दिया कि सांप के जैसे लेकिन यहाँ पे जैसे नहीं आ तो साप ही बोल दिया गया है तो ये क्या है ये मेटफर का एग्जाम्पल था अब मेटफर जो है मेटफर भी ही होते हैं दो तरह के एक्सटेंडेड मेटफर और मिक्सड मेटफर तो एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है एक्सटेंडेड मेटाफर यानी कि जब मेटाफर एक ही लाइन में या एक ही सेंटेंस में आके खत्म नहीं हो जाता है बल्कि एक्सटेंड करता है मल्टीपल लाइंस में या पैराग्राफ या स्टैंजा में प्रोज़ या पोइट्री के यानी कि जो मेटाफर है वो चलता ही जा रहा है यानी कि एक लाइन में ख़त्म नहीं हो गया दो तीन लाइन तक हमें मेटाफर ही देखने को मिल रहा है दो तीन लाइंस तक या पैराग्राफ्स तक या स्टैंडाज तक पोइट्री है तो स्टैंडाज तक तो इसी को हम क्या कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पहले से नोट करके रखे हुए हैं वो देख लेते हैं द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज वेयर एवरी इज़ अ प्लेयर एंड देन द दर्टन फॉल्स ये शेक्सपियर की कही हुई लाइंस है शेक्सपियर के प्ले से ली हुई तो यहाँ पर शेक्सपियर जो है वर्ल्ड को इस दुनिया को संसार को किससे कंपेयर कर रहे हैं स्टेज से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज नहीं बोला है तो ये मेटाफर है अगर लाइक वर्ड यूज़ कर लिया जाता तो ये सिमली हो जाता तो संसार को दुनिया को कंपेयर किया गया है स्टेज के साथ वेयर एवरी इज़ अ प्लेयर अगेन यहाँ पर अगेन मेटाफर है कि एव एवरी वन यानी कि हम जो इंसान लोग हैं हम लोग क्या हैं यहाँ पर एक प्लेयर की तरह से हैं या एक्टर भी बोल सकते हैं एक्टर्स या प्लेयर तो प्लेयर की तरह से हैं कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं एंड देन यहाँ पर भी देखें सेकेंड लाइन में भी इज लाई का प्लेयर नहीं बोला गया है सीधे सीधे इज अ प्लेयर बोल दिया गया है तो ये क्या है मेटफ़र है लास्ट लाइन देखें एंड देन द कर्टन फॉल्स कर्टन फॉल्स से क्या मतलब है हमें पता है जब हम कोई प्ले देखते हैं स्टेज पर कोई नाटक देखते हैं तो उसमें जब प्ले एंड हो जाता है तो पर्दा गिरता है कर्टन गिरता है ये बताने के लिए जिससे कि पता चलता है कि प्ले जो है नाटक जो है उसका अंत हो चुका है तो यहां पर कर्टन फॉल्स से क्या मतलब है यानी कि एंड ऑफ लाइफ तो हर दुनिया क्या है वो एक स्टेज है और हर व्यक्ति जो है हर इंसान जो है वो एक प्लेयर है जो कि एक डेफिनेट एक सर्टेन रोल प्ले करता है और उसके बाद पर्दा गिर जाता है यानी उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है और वो इस दुनिया से चला जाता है तो ये किसका एग्जाम्पल था एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जाम्पल था क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही मेटाफर नहीं दिख रहा है बल्कि नेक्स्ट लाइन में भी हमें मेटाफर देखने को मिल रहा है एक और एग्जाम्पल है डार्क इज एन अनोन एंड स्केरी ब्लैक ब्लैंकेट अ प्लेस ऑफ नाइट मेज इट इज़ अ डीप होल वेयर लाइट कैनॉट रीच एंड वेयर हॉरर रिसाइट्स यहाँ पे डार्क जो अंधेरा है जो अंधकार है उसको कंपेयर किया गया है एक अनजान डरावने काले ब्लैंकेट के साथ तो यहां पर भी कोई भी कंपैरिजन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है लाइट या आज तो ये क्या है मेटाफर है और आगे कहा गया है कि डार्क जो है जो अंधेरा है वो कैसा है नाइटमेरस की जगह है और ये क्या है इट इज़ अ डीप होल एक गहरा गड्ढा है यानी इसकी तुलना उसका कंपेरिजन एक गहरे गड्ढे से किया गया है जहाँ पर कि लाइट या रोशनी नहीं पहुँच सकती है तो यहां पर भी ये

मिक्स्ड मेटाफर मिक्सड मेटाफर क्या होता है जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग मेटाफर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है और ये कंबाइन क्यों किया जाता है ज़्यादातर टू तो प्रोड्यूस ह्यूमरस इफ़ेक्ट ह्यूमरस इफेक्ट डालने के लिए अपनी राइटिंग में जब राइटर्स या पोएट्स दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मेटाफर्स को डिफरेंट मेटाफर्स यानी कि ये जो दो मेटाफर्स होते हैं आपस में अन होते हैं आपस में इनका कोई लिंक रिलेशन नहीं होता है इनको हम अनसुइटेबल या इनअप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं कि काफ़ी इप्रोप्रिएट या अनसुइटेबल मेटाफर्स uh, होते हैं जो कि आपस में रिलेटेड लिंकड या कनेक्टेड नहीं होते हैं और इनको जो है अलग अलग मेटाफर्स को हम डाल देते हैं अपनी एक ही लाइन में या किसी आइडिया को या किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए तो ये क्या कहलाता है मिक्स्ड मेटाफर कहलाता है नाम ही मिक्स्ड है तो उस नाम से ही क्लियर होगा कि मिक्स्ड मतलब एक से ज्यादा मेटाफर का यूज हो रहा है इसमें तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं तो मिक्सड मेटाफर क्या है मिक्स ऑन आवर जर्नी वी केम टू फोर्क वेर द रोड ब्रांचड आउट इन मल्टीपल डिरेक्शंस तो कह रहे हैं कि अपनी जर्नी में हम जो है एक ऐसे रास्ते पर आ गए जो कि कैसा था फोर्क जैसा था ये फ़ोर्क जो है आ, मैंने बनाया हुआ है ऑल दो अच्छा नहीं बन पाया है बट समहाउ कुछ इस तरह का फोर्क होता है ना ये फ़ोर्क ऐसा होता है तो ये रास्ते को कैसा बताया फोर्क जैसा बताया गया फोर्क में हमें तीन आर्म्स दिख रहे हैं वन टू थ्री तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि फोर्क पे आ गए रास्ता फोर्क जैसा यानी कि मल्टी डिरेक्शनल है है ना दो या तीन रास्ते निकल रहे हैं लेकिन आगे की लाइन में देखें वेयर द रोड ब्रांच आउट इन मल्टीपल डिरेक्शंस जहाँ पे रोड जो है वो शाखाओं में बट गई मल्टीपल डिरेक्शंस तो अब अगर हम ब्रांच देखें तो ब्रांचेस और फोर्क है ना ये जो फोर्क लिखा है और ये जो ब्रांचेस ब्रांच्ड है इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है कोई लिंक नहीं है क्योंकि ब्रांचेस हमें पता है किसके होती हैं ब्रांचेस पेड़ों के होती हैं पेड़ों के शाखाएं निकली होती हैं तो यहाँ पर ये जो है मिक्स्ड मेटाफर का यूज़ हुआ है और दोनों मेटाफर्स जो हैं आपस में कैसे हैं इनप्रोप्रिएट हैं या अनसुटेबल एक तरह से हम कह लें वो हैं लेकिन मतलब दोनों का कहने का एक ही है कि मतलब एक मल्टी डायरेक्शनल रास्ते पर पहुंच गए हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का देखें शी सच नाइट आउल शी स्टेज अप लेट रीडिंग एंड रिमिनेटिंग किसी के बारे में कह रहे हैं कि वो कैसी है नाइट आउल है नाइट आउल हम किसे कहते हैं जो व्यक्ति देर रात तक जागता हो उसे हम नाइट आउल कहते हैं हमें पता है कि जो आउल है वो कैसा है नॉक्टर्नल है रात में ही निकलता है तो जो भी इंसान देर रात तक जागता है उसको आउल से कंपेयर कर दिया जाता है तो शी इज सच नाइट आउल तो यहाँ पर भी देखें उसको मतलब लाइक या कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि डायरेक्टली नाइट आउल बोल दिया गया है तो ये क्या है मेटाफर है शी स्टेज अप लेट रीडिंग एंड र्यूमिनेटिंग और वो देर रात तक जाग के क्या करती है रीडिंग करती है और रिमिनेट करती है रीडिंग तो हमें पता ही है रीडिंग मीन्स पढ़ना पड़ती है कुछ भी रीड करती हो कोई बुक नोवेल एनी और रिमिनेटिंग यहाँ पर जो इस सेंटेंस में जो रिमिनेटिंग का मीनिंग है वो मतलब है थिंकिंग से रिमिनेटिंग का मतलब है कि वो देर रात तक जाग कर पढ़ती है और सोचती रहती है लेकिन जो अगर हम रिमिनेट वर्ड का जो लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है टू uh, chew cud हमें मालूम है जो कट चीविंग एनिमल्स होते हैं काउज़ हैं बफलोज़ हैं है ना मोस्टली कैटल्स आपने देख जिसे जुगाली करना हिंदी में कहते हैं जो गाय भैंसे हैं बैठ के अपना मुंह चलाती रहती हैं और खाना जो है वो तो फिर से दोबारा से च्यू करती हैं टू हेल्प द डाइजेशन तो यहाँ पर अब जो आउल है और ये जो रूमिनेटिंग है तो इनका दोनों का आपस में कोई लिंक कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि हमें पता है आउल जो है वो र्यूमिनेट नहीं करता है र्यूमिनेट जो है गाय भैंसे ही करती हैं काउज एंड बफलोस तो यहाँ पर जो है अगेन uh, जो है मेटाफर uh, है तुलना की गई है विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स और एक से ज़्यादा मेटाफर का यूज़ हुआ है और दोनों मेटाफ़र्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड या रिलेटेड नहीं हैं तो ये कैसा है मिक्स्ड मेटाफर है तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ और इसके आगे जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी सिनेक्डोकी मेटोनमी एक्सेट्रा थैंक्स फॉर वॉचिंग